जब तक बाहुबली रिलीज नहीं हुई थी तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और शायद यही वजह थी कि इस राज को जानने का क्रेज लोगों को सिनेमाघरों तक भी खींच लाया। एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन बॉक्स ऑफिस पर 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी, जिसने रिलीज के बाद से ही अपनी कमाई से सबको चौंका दिया था। देखते ही देखते फिल्म सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और अब तक फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन इंडिया में धमाल मचाने के बाद बाहुबली द कंक्लूजन अब चीन में रिलीज होने को तैयार है। हालांकि अभी तक चीन के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रिलीज डेट की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि चीन में रिलीज के बाद इस फिल्म का कलेक्शन और भी कई रिकॉर्ड तोड़कर सबको पछाड़ सकता है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।